हे फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज विथ मोमो चटनी। तो चलिए, अब मोमो और मोमो चटनी बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली है। हमने यहाँ पे ली है कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट एंड ग्रीन चिली। अब हम इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिली, कैरेट, कैप्सिकम ले ली है और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम कैबेज को भी ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, हम मोमो की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें डाल दिया है ऑयल और एक कटा हुआ अनियन। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो वेजिटेबल्स को ग्राइंड किया था, अब हम यहाँ पे ग्राइंड की हुई सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे सोया सॉस और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे टमाटो सॉस और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसे हाई फ्लेम में 2 मिनट तक हाफ कुक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारी मोमो स्टफिंग यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर कोरिएंडर डाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मोमोज का बेस बनाएंगे। तो मोमोज का बेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदे का आटा, सम सॉल्ट और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं घी और हम इसे अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा डो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। आफ्टर 10 मिनट अब हम यहाँ पे डो की लोई बनाएंगे और इसे बेलेंगे कुछ इस तरीके से। हम इसे गोल बेल लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने इसे यहाँ पे गोल बेल लिया है। इसके बाद हमने जो स्टफिंग तैयार की थी, अब हम यहाँ पे इसे स्टफ करेंगे। और अपने हाथों की सहायता से इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसे एक मोदक जैसा बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे मोमो बना के तैयार कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक स्टीमर ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे हमारे मोमो सारे बनके तैयार हैं। अब हम यहाँ पे ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर सारे मोमोस रख देंगे और अब हम यहाँ पे ढक्कन को ढाँक देंगे 10 मिनट के लिए। अब फ्रेंड्स, 10 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे। तब तक हम हमारी मोमो की चटनी बना लेते हैं। मोमो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है टमाटो, गार्लिक और रेड चिली। अब हम यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऑयल लेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब हमने यहाँ पे टमाटो पेस्ट डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसके बाद हम इसे लो फ्लेम में होने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टमाटो सॉस डालेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसे लो फ्लेम में ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट तक। तब तक इसका सारा पानी सोख हो जाएगा। इसके बाद हमारे वन साइडेड मोमो हो रहे थे, तो अब हम यहाँ पे मोमोज को देख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ से ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं जो हमारे मोमोज का साइज़ था वो आपको थोड़ा डबल दिखेगा। तो हमारे मोमो यहाँ पे 10 मिनट के बाद बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और मोमोज को ठंडा होने पर निकाल लेंगे और 2-3 मिनट बाद हमारे यहाँ पे मोमो चटनी ने सारा पानी सोख कर लिया है। तो हमारी जायडेस मोमो चटनी स्पाइसी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे प्लेटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे मोमो चटनी निकाल लेंगे
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारे मोमोस विथ चटनी बनके तैयार हो गए हैं, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।